हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समसामयिक घटनाओं के बारे में। उसमें जो सबसे पहली न्यूज है वो हमारे सामने ये कि इंटेल, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई, ये तीनों मिलकर के एआई फॉर ऑल पहल लॉन्च किए हैं। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए देखते हैं उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु, उसमें क्या है। सबसे पहली चीज कि एआई जैसी जो उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं, इसको आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एआई के लिए ही नीति आयोग की राष्ट्रीय रणनीति, समावेशी विकास के लिए एआई का लाभ उठाने के लिए और विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक जरूरतें हैं उसके लिए एआई समाधान विकसित करने की बात की जा रही है, इस पे फोकस किया जा रहा है। इसी को लेकर के जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आई थी, उसमें भी इसको बहुत ज्यादा महत्ता दी गई थी। इसी के लिए छात्रों के साथ साथ परिवारों में वृद्धों को, जितने युवा हैं, उन सभी के लिए इस पर जोर दिया जा रहा है कि इसको सीखने की आवश्यकता है। इसमें क्या है डिटेल में, आइए देखते हैं इसको। इंटेल का एआई फॉर ऑल, ये 4 घंटे का एक प्रोग्राम होगा जिसके तहत ये सिखाया जाएगा और सभी लोगों तक इसकी पहुंच बनाने की बात की जा रही है। छात्रों के साथ ही साथ घर में रहने वाले माता पिता और जो पेशेवर हैं, उसके साथ में ही जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम होने वाला है। इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो क्या है कि पहले 1 वर्ष में लगभग 1 मिलियन नागरिकों को इसकी पहुंच वहां तक, मतलब जो है, की जाए, जिससे सभी लोगों को आसानी से ये प्रोवाइड किया जा सके। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। इसमें क्या है, AICTE, ये AICTE क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेटा बेस तैयार कर रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। तो AICTE ने क्षेत्रीय भाषाओं में किन किन जो उच्च शिक्षा है उसमें किन किन शिक्षाओं को, खासतौर से इंजीनियरिंग की शिक्षा को इसमें बात की जा रही है कि तकनीकी जो शिक्षा है उसको क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाए, जिससे जो अंग्रेजी में या फिर पूरी तरीके से जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो केवल वहीं तक सीमित ना रहे, साथ में ही अन्य भाषाओं में भी इंजीनियरिंग की जा सके। तो अभी क्या है कि 8 राज्यों में लगभग 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हैं। उसमें कौन कौन सी भाषाएं होंगी, पहला देखिए बंगाली, दूसरा है हिंदी, तीसरा है तेलुगु, तमिल और मराठी। इन 5 भाषाओं में 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 8 राज्यों में तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो ग्रामीण परिवार से संबंधित लोग हैं वो, और जो कम आय वाले हैं, जो है ऊंची अच्छी खासी फीस दे करके इंग्लिश मीडियम या फिर अच्छे कॉलेजेस से जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये चीजें की जा रही हैं, जिससे वो भी समावेशी विकास में हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ सकें। इससे क्या होगा, छात्र सीखने के इच्छुक जो लोग हैं वो लोग सक्षम होंगे और अंग्रेजी में पारंगत नहीं होने से भी उनकी सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं अपने अगले न्यूज में। इसमें क्या है कि भारत में 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है। अब ये वैश्विक संरक्षण मानक क्या क्या है वो हम लोग अभी आगे डिटेल में देखते हैं, और ये 14 जो बाघ अभयारण्य है ये भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक चीज और यहाँ पे देखने वाली जो बात है ये कि देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग टाइगर नंबर्स, 2006 में देखिए 1411 संख्या थी, 2010 में 1706 हुई, और फिर 2014 में 2226 संख्या हुई, और 2018 में 2967 हो गई है संख्या। किसकी, बाघों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात है इसी फिगर में ही जो दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात है वो ये कि देखिए जो बाघों की संख्या की स्टेट के हिसाब से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 526, ठीक है, कर्नाटका में 524, उसी के साथ में केरला में देखिए 190, तमिलनाडु में कितना, 264,
उसके बाद महाराष्ट्र में देखिए 312 और उत्तराखंड में कितना 442 और उसके साथ में ही आसाम में कितना है 190। तो इस तरीके से सातों राज्य के जो संख्याएं हैं उसको हमने यहाँ पे बता दिया। चलिए चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे। क्या है ये 14 टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ कहाँ पर है? पहला हमने आपको बताया कि असम में कहाँ कहाँ पे औरंग मानस और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक। मध्य प्रदेश, देखिए आसाम में तीन है, ये ध्यान दीजिएगा, आसाम में तीन हो गए, औरंग मानस और काजीरंगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा, इन तीनों को, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र का पेंच, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, केरल में परम्बिकुलम, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु में अन्नामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये जो है इसको ध्यान दीजिएगा और साथ में ही इसको इसी हिसाब से याद करने की भी कोशिश कीजिएगा स्टेट के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है कि मानस टाइगर रिजर्व कहां पर है। तो आपको अगर याद होगा स्टेट के हिसाब से तभी आप उसमें टिक लगा पाएंगे कि मानस कहां पे है, मानस आसाम में है। पेंच कहां पर है? पेंच जो है वो महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से दुधवा कहां पे है? दुधवा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से अगर आप याद किए रहेंगे तो इसको लगाने में आसानी होगी। मुदुमलाई कहां पे है? मुदुमलाई तमिलनाडु में है, मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं और कि ये सीए और टीएस क्या है। पहली चीज तो ये सीए टीएस क्या है, कंजर्वेशन एश्योर्ड और साथ में ही टाइगर स्टैंडर्ड। ये सीए टीएस ये क्या है, संरक्षण उपकरण है जिसके माध्यम से दुनिया के जो बाघों की आबादी है उनके प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम मानक, ठीक, और उसके साथ में प्रथाओं को निर्धारित करता है ये, और उसी के साथ में प्रगति का जो बेंचमार्क है उसके आकलन को प्रोत्साहित भी करता है कि इनका आकलन किया जाए, इनकी आबादी और उसके मैनेजमेंट को ध्यान दिया जाए, आबादी बढ़ाने पर जोर दिया जाए, है ना। तो इसके लिए ही टाइगर रिजर्व और इन सब चीजों की मतलब जो है निर्मित की गई। चलिए इसमें देखते हैं, इससे सात टाइगर रिजर्व जो टाइगर रेंज है देशों में लगभग 125 साइटों पर लागू किया जा रहा है। इस समय सबसे अधिक 94 स्थल हैं, 20 बाघ अभयारण्यों का आकलन इस वर्ष पूरा किया गया है, जिसमें से 51 बाघ अभयारण्य हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। टोटल कितने हैं? 51, ठीक है। अच्छा एक चीज और जो महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि 29 जुलाई को, हाँ मतलब यही जो बीता है 29 जुलाई इसी की बात की जा रही है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि दिवस वाले क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए अपने एक अगली न्यूज में, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्या कि किशोर न्याय संशोधन विधेयक पारित किया गया है। किशोर न्याय में क्या है कि बच्चों की देखभाल और उसके संरक्षण के लिए, आइए देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में, उसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें ये कि जो गोद लेने वाले और बच्चों की देखभाल से संबंधित जो मामला था उसी की बात की जा रही है इसमें, कि कुछ बच्चे जो अनाथालय में पहुंच गए हैं या उनको गोद लेने की बात होती है तो उसका देख रेख किस तरीके से होगा इसके बारे में बताया गया इसमें। अब देखिए इसमें कि जो इससे संबंधित मामला है, किससे संबंधित, गोद लेने और बच्चों की देखभाल से जो संबंधित मामला है इसको अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका को बढ़ाने का यह प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि अब जो है जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 का था इसमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हो गई थी, और इसके बाद केवल दीवानी अदालत के द्वारा गोद लेने का आदेश जारी करने पर ही बच्चे को गोद लेना फाइनल हो जाता है, ठीक। इस संशोधन के बाद में ही कहा जा रहा है कि अतिरिक्त जो जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट गोद लेने का आदेश अब जारी कर पाएंगे। अब एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इसका आदेश जारी करेंगे, जिससे कहा जा रहा था कि इनकी भूमिका बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ये आदेश जो है,
ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, किशोरों के द्वारा किए गए जो अपराध थे अभी तक, उनको तीन अपराधों की श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला तो गंभीर अपराध, दूसरा छोटे अपराध, तीसरा जघन्य अपराध। अच्छा, इनको अपराधों के हिसाब से ही इनको सजा भी दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। तो जो गंभीर अपराध होंगे इनको 3 से 7 साल तक की कैद होगी, ठीक है। जघन्य जो अपराध होंगे उसको 7 साल से अधिक की कारावास होगी, और जो छोटे अपराध होंगे उनको कम से कम, मतलब न्यूनतम जो है 3 से 7 साल के बीच में, उनको 3 साल से कम जो है सजा देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यह संशोधन आवश्यक क्यों हो गया था भैया, क्यों आवश्यक हुआ, तब क्यों आया ये आखिर, ठीक है, ये भी जानना हमको जरूरी है। तो 2018 जुलाई 2018 के महीने तक देश भर में विभिन्न अदालतों में गोद लेने के इतने मामले, कितने, 629 मामले लंबित हो गए, जिससे क्या हो गया, इसकी कार्यवाही को तेज करने के लिए ये निर्णय लेना पड़ा है। अब देखिए एक और बड़ी जो न्यूज है वो ये कि COVID-19 टीकाकरण का समर्थन करने के लिए $25 मिलियन की सहायता की घोषणा अमेरिका ने की है भारत के लिए, ठीक है। अब एक तरफ आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं, ये दूसरे अमेरिका के मंत्री, ठीक है। अब आइए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो जो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन, जिनका भी हमने फोटो देखा हुए हैं, ठीक है, इन्होंने घोषणा की कि अमेरिकी सरकार जो है वो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ देश भर, मतलब वही कि वैक्सीन आपूर्ति करो, महामारी को जल्दी से जल्दी खत्म करो, जो COVID-19 था उसके लिए ये आपूर्ति की जा रही है, कितना, $25 मिलियन की। अच्छा, दूसरी चीज और कि अब आइए इसमें देख लेते हैं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए, ताकि प्रभावी ढंग से उसको सुरक्षित रूप से टीके वितरित किए जा सके। एक और संस्था के बारे में देखिए, ये संस्था 2-3 दिनों से चर्चा में है, USAID। ये क्या है? US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, ये कई बार इधर चर्चा में है, तो हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म में पूछ ले, कुछ और ना पूछे तो फुल फॉर्म में पूछ ले। तो USAID, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गावी के बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, 2-3 दिन पहले ही की न्यूज में है गावी, WHO के साथ मिलकर के महामारी की तैयारियों को मजबूत करने और समान वैक्सीन वितरण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से यह सहयोग जारी है। अच्छा, अब इसमें वो क्या रहा है, भारत को मिली पिछली सहायता के तौर पर लगभग $226 मिलियन से अधिक का आवंटन USAID ने भारत को कर दिया है, कितना, $226 मिलियन। दूसरी लहर से निपटने के लिए भी लगभग $100 मिलियन और आपूर्ति, आपातकालीन आपूर्ति के तौर पर $50 मिलियन से अधिक राशि शामिल इसमें है। तो दूसरी लहर के साथ साथ अब तो थोड़ी सी संभावना और जो है चिंता गहराने वाली बात हो गई है ये, कि तीसरी लहर की भी आहट सुनाई दे रही है। केरला में इसके जो है लक्षण देखने को बहुत ज्यादा मिल गए हैं, तो अब जो है आप लोग भी थोड़ी सी सतर्कता बरतिए और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भरपूर कीजिए। अब आइए देखिए, ये कत्तई जहर है, मतलब जो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड में कत्तई जहर, तो ये वही जो राजा मिर्च है नागालैंड का, ये भी कत्तई जहर है, इसी के लिए इसको जो है GI टैग मिल चुका है। कब मिला है? 2008 में मिल चुका है। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इस समय चर्चा में आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 2008 में राजा मिर्च, इसका नाम भी है राजा मिर्च ना, इसको भौगोलिक संकेत प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। एक होता है स्कोविल हीट यूनिट्स, ये एक प्रकार का मानक तय करने के लिए ये एक चेक किया जाता है इसके माध्यम से कि मिर्च कितनी तेज है, मतलब तेज का मतलब कितनी तीखी है ना, इसका जो मिर्च है इसका एक अलग स्वाद और सुगंध है। नागालैंड की जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा है ना, एपीडा ने नागालैंड के पेरेन जिले से निर्यात के लिए मिलकर के इस पर कार्य किया है। अब आइए देख लेते हैं स्कोविल हीट यूनिट, जिसके हम बता रहे थे कि इसके माध्यम से चेक किया जाता है कि कौन सा मिर्च कितना तेज है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक काली मिर्च या गर्म सांस की गर्मी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आप गर्म दौड़ के आए हैं और इससे जो है आप जो है चेक करवा लिए स्कोविल हीट यूनिट से, तो आपका पता चल जाएगा कि कितना आप जो है
मतलब जो है गर्मी आपके अंदर निकल रही है आपकी बॉडी से हीट, तो उसी तरीके से काली मिर्च जो है उसके माप के लिए भी इसका जो है कि कितनी तीखी है इसको हम जो है स्कोविल हीट यूनिट से चेक करते हैं। तो इसको जो है स्कोविल हीट यूनिट्स भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राजा मिर्च के साथ नागालैंड के पेरेन जिले से है ना, उसके साथ ही साथ स्कोविल हीट यूनिट्स को भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन बन जाए। अब इसमें क्या होता है कि चीनी से भरे पानी में कैप्साइसिन, क्या कैप्साइसिन को घोलने की आवश्यकता की संख्या की जांच करके ये किया जाता है, गर्म सांस या काली मिर्च में स्कोविल हीट यूनिट्स की संख्या काली मिर्च या गर्म सांस में मौजूद जो कैप्साइसिन की मात्रा को इंगित करती है। काली मिर्च जितनी अधिक गर्म होगी रेटिंग उतनी ही अधिक होगी, इसी से पता चल जाएगा कि काली मिर्च कितनी तेज है। ठीक, अब चलिए चलते हैं अपने अगले न्यूज पे। लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। देखिए इसमें क्या है कि जीपीई ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के लिए $5 बिलियन जुटाने के उद्देश्य से केन्या और यूनाइटेड किंगडम और लंदन में एक वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ठीक है की मेजबानी कर रहा है, जिसमें जीपीई 90 क्षेत्रों जीपीई 90 क्षेत्रों और देश में सार्वजनिक शिक्षा को फंड देता है। अब इसमें क्या होता है कि जहां पर मुख्य जो बिंदु है उसमें यही कि सार्वजनिक शिक्षा दी जा रही है वहां पर जहां पर 80% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मतलब स्कूल में एडमिशन लिए तो class 1, class 2 या class 3 तक जाते जाते लगभग 80% बच्चे जो है निकल गए वहां से। तो होता क्या है कि ऐसे बच्चों मतलब ऐसे देशों में वहां पर फंड रिलीज किया जाता है, ठीक है, शिक्षा शिखर सम्मेलन में यही हो रहा है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि 2 साल से आप देख रहे हैं कोरोना से सभी लोग हो गए हैं परेशान, सभी देश, और उसमें भी जो एक तो निम्न आय वर्ग वाले जो देश थे, दूसरा जो है जो अभी विकासशील जो देश थे इनमें सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल गई है। अच्छा, उसमें भी क्या हुआ, सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने ये हो गई कि अचानक से स्कूल बंद हो गए और उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया कि सभी लोग ऑनलाइन पढ़ो। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है, सबसे पहले तो मोबाइल की आवश्यकता है। तो निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनके हाथ में मोबाइल रहेगा तबे तो कुछ बात बनेगी भाई, उनको भी तो पढ़ना है। ठीक, दूसरी चीज कि नेटवर्क भी होना चाहिए उतना ही अच्छा। तो अब हम पढ़ा रहे हैं और सामने वाला जो है मोबाइल वो खरीद भी लिया किसी तरीके से, है ना, तो जब नेटवर्क में नहीं है तो कैसे वो पढ़ेगा। तो दूसरी चीज कि नेटवर्क भी होना चाहिए, तो स्मार्टफोन के साथ ही साथ नेटवर्क मौजूद हो और उसके बाद उसको जागरूकता भी होनी चाहिए, पढ़ने को लेकर के जिज्ञासा भी होनी चाहिए, तब जाकर के ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं बच्चों की शिक्षा की दिशा में जो व्यवधान ने इससे जो है सरकारों में उन देशों की शिक्षा प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करने के लिए अधिक संसाधनों को ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। मेन वही चीज जो हमने आपको बताया, इसीलिए देशों जो चुनौतियों का सामना करने वाले देशों के शिक्षा मंत्रालयों को वित्त पोषण की आवश्यकता होती है और ये जो है उसी की मदद कर रहे हैं। चलिए एक और सबसे बड़ी न्यूज जो न्यूज निकल के आ गई है वो ये कि इसरो प्राकृतिक आपदा निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। तो इस उपग्रह से क्या होगा, इस उपग्रह से जितनी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं उसके बारे में हमें पता चल सकेगा। ये देखिए ये है हमारा उपग्रह, ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में, इसमें है क्या चीज कि यह उपग्रह एक जियो इमेजिंग उपग्रह, जियो इमेजिंग का मतलब ये है कि जो उपग्रह जाएगा वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो वहीं से तो फोटो खींचेगा, फोटो खींच करके फिर वो हमारे कहां पे भेजेगा है? हमारे जो ऑफिसेज हैं वहां पे भेजेगा, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकेगा कि प्राकृतिक आपदा कहां कहां पे किस स्थिति में आ सकती है। जैसे यहां पे आप देखिए कि विभिन्न प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात के बारे में, बाढ़ के बारे में, इन सब की जो है वास्तविक समय निगरानी इससे पता चल सकेगा। इसी के साथ में यह जो है 2021-22 में लॉन्च किया जा सकता है।
यह उपग्रह इससे जो है केवल प्राकृतिक आपदा के बारे में ही नहीं पता चलेगा और ये दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार देश की इमेजिंग करने में सक्षम होगा। मतलब पूरे भारत की ये 4 से 5 बार फोटो खींच खींच करके भेजता रहेगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, देखिए फसलों के बारे में, जल निकायों के बारे में, वन आवरण में परिवर्तन और वनस्पतियों की स्थिति के बारे में भी इससे निगरानी की जा सकती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये उपग्रह भेजा जा रहा है। अब देखिए एक अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक बन के आ रहा है, इसमें क्या होगा, एक ऐसा ये पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहती है सरकार जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और सेवाओं के स्वदेशी उत्पादन में मतलब निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। तो ऐसे भी सरकार जो है निजी भागीदारी को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है ना। चलिए अब देखते हैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र क्या है। तो इसमें जून 2020 के महीने में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित कई सुधारों की घोषणा की थी। ठीक, इसी के तहत देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र भी बनाया गया था। यह एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी होती है और अंतरिक्ष विभाग के दायरे में ये आती है। उसी के साथ में इसका उद्देश्य क्या क्या है कि देश में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा दे, उसको लाइसेंस दे और निगरानी करे, ये सब चीजें इसके बारे में निगरानी तंत्र में आते हैं। चलिए एक और जो बड़ी न्यूज है वो ये कि कोविड बीप का फुल फॉर्म अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में क्या है। पहली चीज तो यहाँ पे ये देखते हैं कि भारत का ये सबसे पहला स्वदेशी रूप से फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है, ये है हमारा कोविड बीप। ठीक, इसको लॉन्च कौन किया है, हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च किए हैं। अब इसके देखते हैं मुख्य बिंदुओं के बारे में, सबसे जो मुख्य बिंदु क्या है कि पीड़ित जो रोगी है किससे, कोविड 19 से, उससे देश की पहली लागत प्रभावी से स्वदेशी रूप से निर्मित वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। इसको तैयार किसने किया है, इसको तैयार किया है ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। किसकी सहायता से किया है, तो है एक हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के सहयोग से ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। अब इसको तैयार करने के साथ में ही अस्पतालों में ये 40 कोविड बीप की आपूर्ति की गई, इससे अन्य जो है 100 को अगस्त 2021 के मध्य तक भेजने की तैयारी की जा रही है। मतलब 40 तो भेजा जा चुका है, 100 टू और भेजा जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कोविड बीप है क्या चीज। कोविड बीप कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम ESECIL ESIC पॉट। मतलब यहां तक देखिए कोविड का फुल फॉर्म है और इसके बाद जो है बीप का फुल फॉर्म है ना, कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन, कोविड हो गया, बीप देखिए बायोम्ड ESIL ESIC पॉट, तो कोविड बीप ये हो गया। जो कोविड 19 से पीड़ित रोगी के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम की पहली लागत प्रभावी प्रणाली है। प्रभावित होने वाले जो वृद्ध लोग हैं उनमें सबसे अधिक कोविड 19 मृत्यु दर होती है, इसीलिए NIBP की निगरानी आवश्यक हो जाती है। इसी के साथ में ECG की निगरानी भी की जाती है। क्यों, क्योंकि जो है आपने ध्यान दिया होगा अगर कोविड से पीड़ित कोई आपके आसपास या अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी रहा हो तो उसमें आपने देखा होगा 2-3 दवाइयां ऐसी थी जो सबको दी जा रही थी। जैसे कुछ लोगों को तो प्रोफिलैक्सिस दिया गया, ये तो मैक्सिमम लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन, ये सबसे पहले तुरंत दी जा रही थी। तो इससे क्या है हृदय पर प्रभाव पड़ रहा था, इसीलिए ECG निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं अगला श्वसन दर के बारे में। तो कोविड बीप जो है ये बायो इम्पीडेंस विधि के द्वारा श्वसन दर की गणना करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए किया गया और उसके साथ में ट्रांसमिशन को कम करने में मदद करेगा, PPE किट आदि जैसे संसाधनों को बचाने में भी ये मदद करेगा। तो आज की हमारी जितनी भी न्यूज़ थी वो यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।